स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर थ्री अगेन। क्वेश्चन नंबर थ्री से स्टार्ट करते हैं एंड क्वेश्चन नंबर थ्री का जो पार्ट है वो हम खत्म करने की कोशिश करेंगे फटाफट। मतलब फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्सटीट्यूशन मेथड लिखा हुआ है, ठीक है, सब्सटीट्यूशन मेथड। और नहीं भी लिखा होता तो हम कर भी कह सकते थे सब्सटीट्यूशन मेथड ही आता है अभी तक, मतलब इस एक्सरसाइज तक। लेकिन ये चैप्टर कर लेने के बाद आपको बहुत सारा मेथड आ जाएगा, और उस समय अगर क्वेश्चन में कोई मेथड नहीं भी लिखा होता है तो जो मेथड आपको इजी लगता है वो उसी से कर सकते हैं, और अगर कोई मेथड लिखा है तो आपको उसी से करना है। तो फिलहाल तो हम सब्सटीट्यूशन ही करने वाले। क्वेश्चन क्या बोला, नंबर वन, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर का डिफरेंस 26 हो, डिफरेंस मतलब माइनस। वन ऑफ द नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर नंबर, और उसमें से एक नंबर जो है दूसरे का थ्री टाइम्स है, यानी कि एक बड़ा है और एक छोटा है ऑब्वियसली। तो हम ले लेते हैं, लेट द स्मॉलर नंबर बी एक्स एंड द लार्जर नंबर बी वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर डिफरेंस इज 26, है ना। तो वाई माइनस एक्स, डिफरेंस जब निकालेंगे आप बड़े से छोटे का होगा, वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 26, ये हो गया इक्वेशन वन। एंड बोला वन ऑफ द नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर, यानी कि जो बड़ा नंबर है जो कि हमने y ले रखा है वो छोटा नंबर का थ्री टाइम्स है, y इज इक्वल टू 3x, इक्वेशन टू। तो इसमें देखिए y का वैल्यू तो आ ही गया, हम जस्ट इक्वेशन टू का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन टू इन इक्वेशन वन, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 3x है, 3x माइनस x इज इक्वल टू 26, तो 3x माइनस x क्या हो जाएगा बच्चों, 2x होगा। तो x इज इक्वल टू 26 बाय 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाता है ना, 13। तो x इज इक्वल टू आ गया 13। अब ये x का वैल्यू आप किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 2। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 इंटू 13, 39, ठीक है। तो फाइंड नेम बोला था ना, तो दो नंबर आ गया 39 39। देयर फोर आंसर लिख देंगे हम, द नंबर्स आर, द नंबर्स आर 13 एंड 39, है ना। दोनों कंडीशन इसमें पूरा हो रहा है, देखिए ये इसका थ्री टाइम्स तो है ही है, और दोनों का डिफरेंस करेंगे तो आपको 26 भी मिल रहा है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर थ्री का पहला पार्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू में क्या बोला है, उसको सॉल्व करते। ओके, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सिस द स्मॉलर बाई 18 डिग्रीज, फाइंड देम। ओके, यहाँ पर एक लाइन में जो है बहुत कुछ बता गए ये लोग, बोला है लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। पहले तो ये देखिए सप्लीमेंट्री एंगल्स, कितने लोग को लग रहा है कि ये सुना सुना सा टर्म है, कि कहीं सुना है ये सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है। हाँ सही सोचा आपने, कि ऐसा दो एंगल्स जिसको हम प्लस करके 180 ला सकते हैं उनको सप्लीमेंट्री कहते हैं, ठीक है। जैसे कि 110 प्लस 70, ये दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 180 आएगा, तो ये दोनों सप्लीमेंट्री हो गया। तो ऐसा जितना भी पेयर बन सकते हैं जो दो एंगल को हम सम करके 180 लाए, वो सब सप्लीमेंट्री में आएंगे, ठीक है। यानी कि हमारे यहाँ पर दो जो वैल्यूज होगा x एंड y, वो दोनों क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा। हाँ, अब दूसरा ये तो एक बात बोल दिया कि दोनों सप्लीमेंट्री है, यानी कि एक इक्वेशन हमारा यहीं से मिल गया कि x प्लस y इज इक्वल टू 180। एंड दूसरा चीज इसमें ये बोला है बड़ा आसानी से, कि लार्जर ऑफ द टू ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सिस द स्मॉलर बाई 18 डिग्रीज। तो जो दो जो सप्लीमेंट्री होंगे वो बराबर नहीं है, एक बड़ा है एक छोटा है, तो जो बड़ा है वो छोटे वाले से 18 डिग्री बड़ा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, लेट द स्मॉलर एंगल बी एक्स एंड द लार्जर एंगल बी वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले तो ये सप्लीमेंट्री है, यानी कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू
यस 180 डिग्री। एंड दूसरा बात ये बोला जो लार्जर एंगल है वाई वो छोटे वाले से कितना ज़्यादा 18 ज़्यादा, यानी कि एक्स प्लस 18। ये हो गया इक्वेशन टू। तो वाई का वैल्यू बना बनाया मिल गया, जस्ट सब्सटीट्यूट करना है। सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ वाई फ्रॉम इक्वेशन टू इन इक्वेशन वन, तो एक्स प्लस 18 इज इक्वल टू 180। एक्स प्लस एक्स कितना होगा, 2x होगा ना, 180 और 18 को इधर लेके आएंगे तो ये होगा -18। 2x इज इक्वल टू, जल्दी जल्दी माइनस करिए, बताइए कितना होता है 180 माइनस 18 कितना होगा, 162। यस फटाफट कॉपी में करना है। तो उसके बाद x इज इक्वल टू 162 बाय 2 है ना, 2 इधर आ जाएगा तो x का वैल्यू कितना निकल रहा है आपके हिसाब से, 81। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 81। अगला काम क्या करना है हमने, ये x इज इक्वल टू 81 इक्वेशन 2 में पुट कर देना है, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 81 इन इक्वेशन 2, इससे हमको क्या मिलेगा, y का वैल्यू मिल जाएगा। 81 x का वैल्यू है प्लस 18, तो ये हो जाएगा 99, y का वैल्यू 99। तो दोनों को ऐड करके देखते हैं सप्लीमेंट्री हो रहा है कि नहीं। x आया 81 और ये आया है 99। 9 प्लस 1 10, कैरी ओवर 8, कैरी ओवर 1, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 9 18, अरे वाह आ गया है। तो यानी कि हमारा आंसर राइट है। फाइंड देम, तो देयरफॉर द एंगल्स आर, देयरफॉर द एंगल्स आर 81 एंड 99, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, या फिर देयरफॉर द स्मॉलर एंगल इज 81 एंड द लार्जर एंगल इज 99, ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है जैसे आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, रोमन 3 देखते हैं इसका। अच्छा क्रिकेट से रिलेटेड है, यानी कि जिनको क्रिकेट पसंद है उनका पसंदीदा क्वेश्चन होगा ये। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट 6 बॉल्स, इस तरह का क्वेश्चन पहले भी किए हमने ना, जो पेन पेंसिल इरेजर पेंसिल ऐसा टाइप कुछ क्वेश्चन था, तो सिमिलर है। कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3,800, लेटर सी बाइज 3 बैट एंड 5 बॉल्स, 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1,750। ओके, दो यहाँ पे कंडीशन है कि 7 बैट एंड 6 बॉल का कॉस्ट है 3,800, 3 बैट एंड 5 बॉल्स का कॉस्ट है 1,750। तो ये इक्वेशन इजी से बन जा रहा है, अगर बैट का कॉस्ट आप ले लेते हैं x एंड बॉल का कॉस्ट ले लेते हैं y, ये हो जाएगा 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3,800, यहाँ पे 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1,750। तो चलिए इसको स्टेटमेंट में लिखते हैं, लेट द प्राइस पर बैट बी रुपीज एक्स, लेट द प्राइस पर बैट बी रुपीज वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों इक्वेशन को बना लेते हैं हम, 7x प्लस 6y, मतलब कॉस्ट ऑफ 7 बैट प्लस कॉस्ट ऑफ 6 बॉल इज इक्वल टू कितना है 3,800। ये इक्वेशन 1 हो गया हमारा। एंड 3x मतलब कॉस्ट ऑफ 3 बैट प्लस कॉस्ट ऑफ 5 बॉल्स इज इक्वल टू 1,750, ठीक है। तो ये थोड़ा नंबर वाइज इक्वेशन का वैल्यूज ज़्यादा है, कोई नहीं। तो चलिए इक्वेशन 1 में से पहले हम लोग कोई एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखेंगे हम, वी गेट क्या होता है कि 7x इज इक्वल टू 3,800 माइनस ये 6y, x इज इक्वल टू 3,800 माइनस 6y बाई 7, ये हो जाएगा इक्वेशन 3, ठीक है। नाउ इक्वेशन 3 का जो वैल्यू आया हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, ठीक है। क्यों 2 में पुट करें, क्योंकि 1 से हमने निकाला इसीलिए।
थ्री एक्स का वैल्यू 3800 माइनस 6y बाई 7 इज फिर प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। 3 इंटू 3800 कितना होगा? 0 0 3 हजार 24 कैरी 2 3 हजार 9 10 11 है ना, माइनस 3 6 18y बाई 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। नेक्स्ट स्टेप, अच्छा इसके नीचे कुछ नहीं है तो एज यूजुअल हम क्या मान लेते हैं, उसको 1 ही मान लेते हैं, बचपन से सीखे हैं ये तो। 11400 मतलब इसका चेंजेस क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये डिनोमेटर सेम ही है। माइनस 18y प्लस 35y इज इक्वल टू 1750। थोड़ा छोटा छोटा लिखता हूँ, 11400। अच्छा माइनस 18y प्लस 35y यानी कि 35 माइनस 18 करना होगा और साइन क्या आएगा, प्लस आएगा क्योंकि 35 इसमें बड़ा है, और ये आएगा 17y इज इक्वल टू 1750 इंटू 7 कितना होगा, रफ करते हैं 1750 इंटू 7, 7 0 0 7 5 35 कैरी ओवर 3 7 7 49 50 51 52 7 7 प्लस 5 12 12250 है ना, तो 12250। इसको उस साइड लेके जाते हैं, इसको अगर उस साइड लेके जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, हाँ जी माइनस, तो 12250 से 11400 माइनस करें कितना होगा, 5 माइनस 0 5, और यहाँ से 12 में से 4 जाएगा 8, 850 आएगा, ठीक है। यानी कि y इज इक्वल टू 850 बाई 17 एंड 17 फाइव जो कितना होता है 85 होता है, यानी कि y का वैल्यू 5 और ये 0 50, देयरफॉर y इज इक्वल टू 50 हो गया। अब हम क्या करेंगे, y का वैल्यू किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन 3, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 3800 माइनस 6 इंटू 50 बाय 7, 3800 माइनस 6 फाइव जा 30 यानी कि 3000 बाय 7, तो 3800 माइनस, सॉरी ये 3000 नहीं 300 है, तो 3800 माइनस 300 होगा 3500 बाई 7 इज इक्वल टू 500 है ना कट के, तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 500, तो हमारा आंसर क्या होगा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल बोला है ना, तो आंसर कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज इक्वल टू रुपीज कितना है, बैट को हमने एक्स लिया था तो एक्स का वैल्यू 500 आया है, एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इज इक्वल टू रुपीज, बॉल का कितना है 50 रुपीज है, सही है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 4, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद अ चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज पेड इज रुपीज 105 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर चार्ज पेड इज 155। तो बोला है व्हाट आर द फिक्स चार्जेस पर किलोमीटर, हाउ मच डज
अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो क्वेश्चन को समझिए, इसमें ये बोलना चाह रहे हैं क्या कि टैक्सी अगर हम लेते हैं किसी एक शहर में, किसी एक सिटी में, अगर हम लोग टैक्सी लेते हैं तो उस टैक्सी का एक एक तो फिक्स चार्ज है, मतलब उसमें आप बैठ के थोड़ा दूर भी जाने से उतना चार्ज देना ही पड़ेगा। तो एक फिक्स चार्ज है और एक चार्ज है जो डिपेंड करता है कि उसने कितना किलोमीटर ट्रेवल किया। फॉर एक मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए कि आप बॉम्बे में रहते हैं, बॉम्बे में टैक्सी हायर करने का फिक्स चार्ज है मान लीजिए 20 रुपीज़, उसके बाद जितना किलोमीटर आप ट्रैवल करेंगे उस हिसाब से 2 रुपीज़ करके देना पड़ेगा पर किलोमीटर। तो आपने टैक्सी हायर किया तो आपका 20 रुपीज़ फिक्स चार्ज लग गया, प्लस आपने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया तो पर किलोमीटर का 2 रुपीज़ है, तो 10 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए 2 × 10 20, यानी कि 40 रुपीज़ आपका फेयर हो गया। तो इस तरह का सिचुएशन यहाँ पे दिया हुआ है कि एक तो फिक्स चार्ज है, उसके बाद जितना डिस्टेंस कवर करेंगे उस हिसाब से एक प्राइस है, ठीक है, पर किलोमीटर का। तो वो हमको पहले पता करना है कि फिक्स चार्ज कितना है एंड पर किलोमीटर कितना प्राइस है, तभी जाके हम ये 25 किलोमीटर का प्राइस निकाल सकते हैं। तो मान लेते हैं, लेट द फिक्स चार्ज बी रुपीज एक्स एंड द चार्ज पर किलोमीटर बी रुपीज वाई। तो पहला कंडीशन, कितना डिस्टेंस कवर किया है, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है और भाड़ा कितना दिया है, 105 रुपये। यानी कि ये 10 किलोमीटर जो उसने कवर किया, उसने एक तो फिक्स चार्ज पे किया है एक्स, है ना, तो फॉर ट्रैवलिंग टेन किलोमीटर चार्जेस पेड या चार्ज पेड ₹105। सो यानी कि ये 10 किलोमीटर जो ट्रैवल किया उसने, जैसे यहाँ पर देखिए फिक्स चार्जेस तो देना ही पड़ा प्लस जितना किलोमीटर ट्रैवल किया उस हिसाब से चार्ज। तो फिक्स चार्ज यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में क्या है, एक्स है, एंड उसने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, पर किलोमीटर का चार्ज कितना है बच्चे, ₹Y है। तो यानी कि ये हो जाएगा 10Y। तो ये टोटल मिला के उसने जो चार्ज पे किया है वो उसने पे किया है 105। तो ये हमारा इक्वेशन 1 आ गया। अब यहाँ से जल्दी आप x का वैल्यू निकाल लीजिए इन टर्म्स ऑफ y। x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, इसको आप बोल सकते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। दूसरा सिचुएशन क्या दिया है, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए उसने भाड़ा कितना पे किया, 155। तो यानी कि फॉर ट्रैवलिंग 15 किलोमीटर फेयर पेड ₹155। तो सेम उसी तरीके से फिक्स चार्ज तो उसका वो एक्स लग ही रहा है, उसके बाद उसने 15 किलोमीटर ट्रैवल किया, 15 किलोमीटर ट्रैवल किया इसलिए उसका चार्ज क्या हो जाएगा, 15Y हो जाएगा, इज इक्वल टू 155, ठीक है ना। अब ये इक्वेशन 3 हो गया हमारा। तो इक्वेशन 2 में हमने एक्स का वैल्यू निकाल रखा है जो हम इसमें अभी पुट कर देंगे। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगा 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155, है ना। उसके बाद यहाँ करते हैं, तो 105 को इधर लेके आता हूँ तो प्लस है, इधर आने से स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये माइनस, और माइनस 10y प्लस 15y तो आपको पता है क्या होगा, ये प्लस 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105, और विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 155 माइनस 105, तो ये हो जाएगा 50, है ना, माइनस करके देखिए डिवाइडेड बाय 5, तो ये कट के कितना हो गया 10, तो यानी कि y इज इक्वल टू 10 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग ये y इज इक्वल टू 10 किस में,
इक्वेशन टू में सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन टू, तो इक्वेशन टू में पुट करूं तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 105, 10 10 जा 100, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5। तो इससे ये हमारा आ गया कि फिक्स चार्ज कितना है, x है, एंड जो चार्ज पर किलोमीटर है वो वाई है। तो आंसर लिखिएगा आप, देयर फॉर फिक्स चार्ज इज रुपीज 5 एंड चार्ज पर किलोमीटर इज रुपीज 10। पर किलोमीटर का चार्ज कितना है, 10 है। अभी क्या बोला है, 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कितना भाड़ा लगेगा, है ना। सो हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। नो 25 फॉर चार्ज ऑफ, हम क्या कैलकुलेट करेंगे, चार्ज फॉर ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर। तो देखिए, एक तो फिक्स चार्ज उसका देना पड़ेगा, उसको वो कितना है, 5 रुपया है, एंड 25 किलोमीटर उसने ट्रेवल करी है, और हर किलोमीटर का चार्ज कितना है, 10 रुपये है, तो 25 इंटू 10, ठीक है, कितना हो रहा है, 5 प्लस 25 इंटू 10, 250, ये हो जाएगा आंसर रुपीज 255, ठीक है। कितना मज़ा आया ना ये क्वेश्चन करके, तो अच्छे से समझ लीजिए इसको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट। ये क्वेश्चन भी थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, नंबर से रिलेटेड है, एंड ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, फ्रैक्शन जो पी बाई क्यू फॉर्म में रहता है ना, 9/11, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। एक फ्रैक्शन कैसा होता है, इस फॉर्म में होता है ना, इस नंबर, ऐसे नंबर को फ्रैक्शन बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर एंड नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। तो एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है, बोला क्या, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 व्हेन इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन 9/11 हो जाएगा। इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6, लेकिन अगर 3 ऐड करते हैं दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो वो 5/6 हो जाएगा। बोला फाइंड द फ्रैक्शन, ठीक है, तो फाइंड द फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन को पता करने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, उसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पता होना चाहिए। तो हम वही अज्यूम करेंगे, लेट द न्यूमरेटर बी x एंड द डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लिखने का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, बी y, ठीक है। सो फ्रैक्शन इज देयरफॉर, जो फ्रैक्शन है वो क्या होगा, x बाय वाई, है ना, x न्यूमरेटर है, y डिनोमिनेटर है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला कंडीशन क्या बोला है, 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, 2 जो है दोनों में ऐड करें हमने, x प्लस 2 एंड y प्लस 2, तो फ्रैक्शन क्या बन गया, बोला कि ये फ्रैक्शन बन गया 9/11, तो ये 9/11 बन गया, विच इम्प्लाइज, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 इंटू एक्स, 11x प्लस 11 इंटू 2, 22 इज इक्वल टू ये 9y प्लस 18, है ना, तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22 कितना हो जाएगा, माइनस 4, ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। अब इसमें से मैं x का वैल्यू निकाल दूंगा तो वो हो जाएगा मेरा इक्वेशन 2, x का वैल्यू निकाल लेता हूँ जो मैं सब्सटीट्यूट करूँगा, माइनस 4, ये 9y को इधर लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा प्लस 9y, x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 9y बाई 11, ये हो गया इक्वेशन 2,
ठीक है, क्वेश्चन टू है ये। अभी दूसरा जो सिचुएशन बोला है वो क्या बोला है कि थ्री इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इट बिकम्स 5/6। जब थ्री ऐड करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में, यानी कि एक्स प्लस थ्री वाई प्लस थ्री, तो ये क्या बन जाता है, बोला है ये बन जाता है 5/6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये क्या हो जाएगा, 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5 से इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 5y प्लस 15, है कि नहीं। नाउ 6x 5y को मैं इधर लेके आता हूँ, माइनस 5y हो जाएगा इज इक्वल टू 15, 18 को मैं इधर लेके जाता हूँ तो माइनस 18 हो जाएगा। 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18 माइनस 3, यह आ गया इक्वेशन 3। अभी क्या करूँगा, इक्वेशन 2 का जो वैल्यू है x का, वो इक्वेशन 3 में मैं सब्सटीट्यूट करूँगा। तो क्या होगा, सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3। चलिए सब्सटीट्यूट करते हैं, क्या है वैल्यू 6 और x का वैल्यू क्या है माइनस 4 प्लस 9y बाय 11 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। चलिए केयरफुली इसका कैलकुलेशन करते हैं, माइनस 24 प्लस 54y बाय 11 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। अब इसका नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, इसका एलसीएम करेंगे 11, देन माइनस 24 प्लस 54y, 54y माइनस 55y इज इक्वल टू माइनस 3, ठीक है। माइनस 24 54y, ये 54 है, प्लस 54y माइनस 55y, तो हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 33। नाउ माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 33 प्लस 24, तो ये हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 4 1, 3 माइनस 2 1, माइनस 11, सॉरी माइनस वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस 9, ये कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू 9। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे y इज इक्वल टू 9, सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 2, इस वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x का वैल्यू क्या आता है, देखिए x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 9 इंटू 9 बाय 11, तो 9 9 जा 81 है ना, तो माइनस 4 प्लस 81 बाई 11 ये क्या हो जाएगा 77 बाई 11 इज इक्वल टू 7, तो देयर फोर एक्स इज इक्वल टू 7 आया, तो फ्रैक्शन हमारा क्या है, x बाई वाई है, सो द फ्रैक्शन इज सेवन बाई 9, देखिए x बाई वाई 7/9। देखिए जो बोला है इसमें टू अगर न्यूमरेटर डिनोमेटर दोनों में ऐड किया जाए तो ये 9/11 बन जा रहा है ना। ओके, सेम ये भी, ये दूसरा कंडीशन भी इसमें फुलफिल हो जाएगा, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं रफ में। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। ये एज वाला क्वेश्चन है। Now, 5 years hence, age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of his son. ऐसा हमने एक क्वेश्चन किया भी हुआ है, तो उनका प्रेजेंट एज फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले इसको समझ लेते क्या बोला है। 5 years hence का मतलब होता है अभी से 5 साल बाद, तो मैंने बोला था बाद का फ्यूचर करने के लिए आपको क्या करना होगा, प्लस एंड अगो मतलब भी पहले का, 5 years ago, इसके लिए आपको क्या करना है, मैंने बताया था इसके लिए आपको करना है माइनस, ठीक है। तो पहले दोनों का प्रेजेंटेज हम पता कर लेते हैं कि दोनों का प्रेजेंटेज क्या है, अज्यूम कर लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ
जैकॉब, बी एक्सियर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन बी वाई ईयर्स। ठीक है, एक टेबल बना के मैं समझाता हूं आपको। प्रेजेंट एज 5 years ago एंड 5 years hence, ये तीन चीज, तीन सिनेरियो है, 5 years hence। और कौन कौन है? जैकॉब और उसका सन, है ना। चलिए, तो जैकॉब का प्रेजेंट एज हमने लिया है एक्स और उसका सन का लिया है वाई। तो 5 years अगो क्या रहा होगा? जैकॉब का 5 years अगो रहा एक्स माइनस फाइव, क्योंकि अभी उसका एक्स है, तो उसका सन का वाई माइनस फाइव। और 5 years हेंस मतलब अभी से 5 साल बाद, अभी अगर एक्स है तो अभी से 5 साल बाद क्या होगा? एक्स प्लस फाइव होगा और उसके सन का होगा वाई प्लस फाइव। तो ये हमारा एजेस निकल गया। इस चीज़ को आप स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं या ऐसा टेबल बना के भी दिखा सकते हैं, जैसा आपकी मर्जी। नाउ अभी इक्वेशन को बनाते हैं हमें। इसमें क्या बोला है? 5 years hence, मतलब इसके बारे में बोला है 5 years hence द एज ऑफ जैकॉब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। ठीक है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 years अगो, 5 years hence, सॉरी एज ऑफ जैकॉब, 5 years hence एज ऑफ जैकॉब क्या है? एक्स प्लस फाइव है। ये इज इक्वल टू क्या है? ये बोला है 3 times दैट ऑफ हिज सन, मतलब 3 times इंटू उसका सन का एज वाई प्लस फाइव। तो ये हो जाएगा x प्लस फाइव इज इक्वल टू 3y प्लस 15। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू क्या हो गया? 10। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। यहां से हम एक x का वैल्यू निकाल लेंगे, x इज इक्वल टू 10 प्लस 3 y, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। दूसरा कंडीशन क्या बोला है? दूसरा बोला है 5 years ago के बारे में, मतलब इसके बारे में 5 years ago क्या बोला है? जैकब्स एज। ठीक है, नाउ 5 years ago का लिखते हैं। जैकब्स एज क्या था? x माइनस फाइव। वो क्या बोला है? 7 times दैट ऑफ हिज सन, मतलब 7 इंटू उसका सन का जो एज है। ठीक है, तो x माइनस फाइव इज इक्वल टू 7y माइनस 35। एक्स माइनस 7y को आप इधर लेके आइए, माइनस 35 प्लस 5। ठीक है, तो एक्स माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5 क्या हो जाएगा? माइनस 30, है ना, क्योंकि ये माइनस बड़ा है। तो माइनस 35 प्लस 5 माइनस 30, ये आ गया हमारा इक्वेशन 3। अब हम क्या करेंगे? ये इक्वेशन 2 में हमने जो x का वैल्यू निकाला है वो इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3। तो x का वैल्यू हमने निकाल रखा है 10 प्लस 3y, यहां पे लिखे माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। 10 को उधर लेके जाते हैं, 3y माइनस 7y क्या हो जाएगा? माइनस 4y एंड माइनस 30 माइनस 10। 10 इधर प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। y इज इक्वल टू माइनस 30 माइनस 10, ये क्या हो जाएगा? माइनस 40। और माइनस 4 को यहाँ लेके आते हैं, माइनस माइनस कैंसल, 4 1 जा 4, 4 10 जा 40। तो y इज इक्वल टू 10 हो गया। अभी क्या करेंगे? ये y इज इक्वल टू 10 इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 2, दिख रहा है आपको इक्वेशन 2? तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू y का वैल्यू कितना है? 10 है। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 30 इज इक्वल टू 40। इसका मतलब आंसर हमको मिल गया है अभी
एक्स और वाई दोनों का अभी जस्ट आंसर को लिख देना है। आंसर क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब कितना था, एक्स जिस जो कि है 40 है, देखो प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज इक्वल टू 40 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, उसके सन का प्रेजेंट एज कितना आया हमारे पास 10 ईयर्स। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, दिमाग थोड़ा सा फ्रेश हो गया होगा आपको ये सब क्वेश्चन करके। तो नेक्स्ट एक्सेस मतलब क्लास में हम लोग जो है 3.4 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, 3.3 के सारे क्वेश्चन आप जो है अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।